एडमिट किया है इनको, घटाले चल रही है, डॉक्टर ने बैठ टाँके कटवाए थे तो टाँके में पस बन गया, पक गया है। अच्छा, तो पस निकलता है, उसका ड्रेसिंग चल रहा है। हाँ। तो अभी तो डॉक्टर नहीं है, अभी अपने आप ही कर रहे हैं, डॉक्टर लोग है नहीं कोई देखने वाले। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं मूव मीडिया। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर। हम आपको बता दें, दिल्ली में रेजिडेंट जो डॉक्टर हैं, रेजिडेंटल डॉक्टर जो हैं, उनकी हड़ताल चल रही है पिछले 14 दिनों से। इसकी वजह यह है कि जो नीट पीजी काउंसलिंग 2021 थी, उसकी वो अक्टूबर में होनी थी, लेकिन उसके ना होने की वजह से डॉक्टर हड़ताल पर बैठ चुके हैं, स्ट्राइक पर बैठ चुके हैं। और उनकी मांग है कि जब तक हमारी काउंसलिंग की डेट नहीं आ जाती है, तब तक हम अपनी स्ट्राइक ख़त्म नहीं करेंगे। वहीं हम आपको बता दें, इसका खुल के समर्थन किया है फोर्डा ने। और जब परसों स्ट्राइक हो रही थी यहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल में इमरजेंसी के बाहर, जैसा कि हमने आपको दिखाया था, वहाँ पे फोर्डा के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष भी आए थे और उन्होंने भी खुल के समर्थन दिया था। और फोर्डा भी रेजिडेंट डॉक्टर का पूरा साथ दे रही, उनका ये कहना है कि जब तक नीट काउंसलिंग की डेट नहीं आ जाती है, जो पीजी नीट काउंसलिंग उसकी डेट नहीं आ जाती, तब तक ये हड़ताल नहीं बंद होगी। इस हड़ताल की वजह से लगातार जो, जैसे दिल्ली में जो सफदरजंग अस्पताल है वो काफ़ी जाना माना हॉस्पिटल है, हर वर्ग के लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। और जैसा कि अभी कोविड बढ़ रहा है, उस सिचुएशन में भी हड़ताल होना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पे असर डालेगा। हम आपको दिखाते हैं और हम आपको बता रहे हैं पहले कि जो इमरजेंसी सुविधाएं हैं, वो जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट, वहाँ पे डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे पेशेंट्स को सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है। पहले आप देखिए ये कुछ फोटेज। आपका क्या नाम है? अन्नू। तो आपका, आप यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आई हैं? ऑपरेशन हुआ था तो टाँके कटवाए, तो इसमें पस बन गया है। हाँ। टाँके में। हाँ। तो अभी देख नहीं रहे, डॉक्टर है नहीं कोई, मतलब अभी टाँके कटवाए थे तो टाँके में पस बन गया, पक गया है। अच्छा, तो पस निकलता है, उसका ड्रेसिंग चल रहा है। हाँ। तो अभी तो डॉक्टर नहीं है, अभी अपने आप ही कर रहे हैं, डॉक्टर लोग है नहीं कोई देखने वाले। अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए परेशान है सब, क्या करें, डॉक्टर कोई है नहीं। तो मतलब आप अंदर गई तो आपको देखे नहीं? देखे ही नहीं, कोई डॉक्टर ही नहीं थे। भैया, ये इमरजेंसी सुविधाएं चल रही हैं? नहीं सर, भाई लॉकडाउन हुआ है। हाँ, हड़ताल। अच्छा, हड़ताल चल रही है। क्या हुआ इनको? इनकी शरीर की हड्डी में दिक्कत है। तो एडमिट किया इनको? हड़ताल चल रही है, डॉक्टर ने बैठ दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेशेंट ऐसे ही बैठे हुए हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। और ये जिस प्रकार का सन्नाटा यहाँ पे छाया हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, हम आपको इधर भी ले चल रहे हैं। जैसे आप अभी देखेंगे, जिस प्रकार का सन्नाटा हॉस्पिटल के अंदर छाया हुआ है, इसका न जाने कितना गुना भीड़ रहती है। और यहाँ पे साइड में सब पेशेंट बैठे रहते थे, लेकिन जो इमरजेंसी सुविधाएं बंद हैं, इसकी वजह से यहाँ पे डॉक्टर नहीं है और पेशेंट्स को दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ रही हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जो अंदर पेशेंट्स हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, और डॉक्टर की स्ट्राइक की वजह से उनको एडमिट भी नहीं किया जा रहा है, बस उनको दवा दे के, जो सीनियर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो दवा दे के बस उनको छोड़ दे रहे हैं। और वहीं पे एक पेशेंट है जिनको आपने देखा अभी कि उनके जो ऑपरेशन हुआ है सर का, टाँके लगे हैं, और उसकी जो अंदर टाँके कटने के बाद उसमें पस बन गया है, लेकिन डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, इस वजह से उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है। और ऐसे बहुत से पेशेंट हैं, बहुत तरीके के पेशेंट हैं जो सफदरजंग हॉस्पिटल में सुविधाओं का सेवा नहीं ले पा रहे हैं। और जब ये स्ट्राइक तब तक चलेगी, हम आपको बता दें, जब तक रेजिडेंट जो डॉक्टर हैं उनका कहना ये है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।